मसाला बीट चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, हम सभी कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद करते हैं और बाज़ार से हम लेके भी आते हैं, और बच्चों को तो स्पेशली कुछ ठंडा चाहिए ही। तो हमने सोचा क्यों ना आप सबके लिए बनाया जाए रसना, और रसना बहुत स्वादिष्ट लगता है, सभी को अच्छा लगता है। तो हम चलते हैं बनाने के लिए रसना और देखते हैं हमें उसके लिए किस किस सामान की आवश्यकता होगी। दोस्तों, हमको रसना बनाने के लिए चाहिए तोता परी आम। ये हमने दो आम लिए हैं। तो ये जो आम हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके के होते हैं देखने में, और ये एक तरफ से लाल होते हैं। ये हमें हरे मिले हैं, अगर ये पीले होंगे तो भी बहुत सुर्ख लाल होंगे एक तरफ से, तो इनकी यही पहचान है। आप देख सकते हैं हमने लिए 500 ग्राम चीनी और 2 चम्मच हमारे पास साइट्रिक एसिड है। इसमें डालने के लिए, चाशनी बनाने के लिए 300 ग्राम पानी है हमारे पास। इस टाइप का नाप कई बार मिक्सी के साथ भी आता है, नहीं हो तो जैसे आपके पास कोई नाप हो 250 ग्राम का, उससे आप 300 ग्राम पानी आप नाप सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इस टाइप से आता है ये साइट्रिक एसिड, तो ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है आराम से और खट्टा होता है। तो अब हम चलते हैं बनाने के लिए इसकी चाशनी। हम चीनी डालेंगे और पानी पैन में और चाशनी बनाएंगे दोस्तों, और इसको मैश करेंगे, इसको उबालना नहीं, छील के इसको मैश कर देंगे। देखिए, हमने चाशनी बनाने के लिए रख दी है, ये अब थोड़ी देर में बन जाएगी। उसकी मैं तार नहीं उठाना है दोस्तों, बस पिघलानी है, थोड़ा गाढ़ा करना है। देखिए, चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें साइट्रिक एसिड डाल दे रहे हैं, ये एक तो खट्टा कर देगा और थोड़ा इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और दूसरे इसमें ये क्रिस्टल नहीं जमने देगा। ये देखें आप, बस इतना ही पतला रखेंगे, जब इसे ठंडा करेंगे ये चाशनी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसे बंद करते हैं अपनी गैस को और ठंडा करने रख देते हैं। ये देखिए, हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है, और इसमें तार बिल्कुल हमने नहीं लिया है, बस सिर्फ गाढ़ी बनाई है। ये देखिए, और काफ़ी गाढ़ी है, ठंडी होने के बाद ये ऐसी हो जाएगी क्योंकि आपने इसमें साइट्रिक एसिड मिला दिया है। तो और इसमें खटास भी आ गई है। देखिए, ये हमारे पास हमने कस के रख लिए थे आम, ये बिल्कुल पके हुए आम होने चाहिए, कच्चे आम नहीं होने चाहिए, और आम के ऊपर ही इस चाशनी को हम डालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि चाशनी में आम मिलाएं, ये देखिए इस तरीके से डाल देंगे और फिर इसे हम बहुत अच्छे से मिला देंगे। देखिए, इस तरीके से आप इसको खूब अच्छे से मिला दीजिए, इसमें आम और चाशनी पूरी तरीके से मिल जानी चाहिए। देखिए, हम इसमें चाशनी मिला रहे हैं अच्छे से, अब ये आम और चाशनी बिल्कुल एक हो जानी चाहिए। यदि आपको इसमें लग रहा है कि आम में थोड़े से लम्स हैं या रेशा आ गया है, तो आप इसे छलनी में छान लीजिए। छानने के बाद इसमें रेशा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। देखिए, कितनी बढ़िया हमारा रसना तैयार हो गया है, ये देखें आप, बहुत बढ़िया रसना हो गया तैयार, और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए, रसना अब हम सर्व करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले अपने ग्लास में डालेंगे ये बर्फ़। ये देखिए, तो थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ डाल देते हैं क्योंकि ठंडा ही अच्छा लगेगा। देखिए, इतना बड़ा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं अपना रसना, ये कम से कम 7 से 8 चम्मच रसना है। और अब इसमें डाल देंगे हम इसमें पानी। आपको अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो रसना आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसमें 3-4 बूंद मैंगो एसेंस की भी डाल सकते हैं, जो मैंने इस्तेमाल नहीं की है। इसका अपने आप में ही, खुद में ही फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाई है तो बिल्कुल बेल आइकन दबाइएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिए यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अपनी कोई रेसिपी भेजना चाहते हैं तो अपनी रेसिपी के वीडियो के साथ नाम और अपने शहर का नाम बताना ना भूलें, और जिससे कि हम बता पाएँ कि किसने और कहां से अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर की है। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।